दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन मिले हैं आज जो पीटेट का एग्ज़ाम हुआ है तो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं जितने भी मुझे मिले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है रीजनिंग का, 3:27 और समानुपात 4:4 यहाँ पर क्या आएगा। देखिए इसका एक ही तरीका होता है कि एक का संबंध दूसरे से होता है, उसी प्रकार हमें तीसरे का संबंध जो है वो चौथे में निकालना होता है ऑप्शन के माध्यम से। ओके तो यहाँ पे देखिए 3 से हमें 27 बनाना है, मतलब अगर हम लोग 3 का क्यूब कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 27। और यही तरीका यही ट्रिक हम लोग आगे लगा देते हैं, अगर 4 का क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाता है 64। नेक्स्ट शुद्ध शब्द छांटना है, जैसे कि अनुग्रहित को कैसे लिखा जाता है। देखिए अनुग्रहित आपका ऐसे विसर्ग वाला है, अनुग्रहित को कैसे लिखेंगे तो अनुग्रहित को आप ऐसे लिखते हैं, ओके अनुग्रहित। ओके नेक्स्ट पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों देखिए पर्यावरण का संधि विच्छेद होता है परिधन आवरण। एक क्वेश्चन हिंदी का था, दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो गाइस देखिए इसकी इसलिए लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है सच्चा सच्चा न्याय। आपका अगला क्वेश्चन है 6:18:36:108, तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए गाइस हमें अगर 6 से 18 बनाना है, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 18 मिल जाता है। अब 18 से 36 बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का मल्टीप्लाई हुआ। आप 36 से 108 बनाना है, फिर 3 का मल्टीप्लाई, मतलब एक सीरीज़ चल रही है, पहले 3 का मल्टीप्लाई फिर 2 का मल्टीप्लाई। ओके अब देखिए 3 के बाद किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई, तो 108 में हम लोग 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 216। अगला है 14 फरवरी 2009 को सैटरडे है तो 14 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप सन देखिए 2008 ये क्या है, इसमें एक लीप ईयर होता है, ये लीप ईयर है। ओके और आपको 2009 में दिया हुआ है सैटरडे है, तो लीप ईयर के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जान लेते हैं एक चीज़। देखिए सबसे पहले आप लिखिए, आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। 0 ये है, 1 2 3 4 5 6, और इसके नीचे क्या लिख देंगे, 0 को संडे और 1 को मंडे और 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे और 4 को थर्सडे और 5 को फ्राइडे और 6 को सैटरडे। ओके सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सैटरडे दिया हुआ है ओके कि सैटरडे है, तो अगर इसमें से 2 घटा दें, मतलब लीप ईयर के केस में क्या करते हैं 2 घटा देते हैं, सैटरडे में देखिए कौन सा नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है, अगर इसमें 2 घटाएंगे तो हमें कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 4 पे, तो 4 में कौन सा दिन आएगा, थर्सडे, मतलब आपका गुरुवार हो जाएगा, आंसर क्या होगा गुरुवार। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कल हमने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए थे रीजनिंग में, देखिए हार्ट का संबंध है ब्लड से तो लंग का संबंध किससे होगा। देखिए हार्ट का काम क्या होता है, खून का प्यूरिफिकेशन करना, मतलब खून को शुद्ध करना, उसी प्रकार जो लंग्स होते हैं फेफड़े होते हैं उनका काम क्या होता है, वो होता है हवा को शुद्ध करना, या कह सकते हैं वायु शुद्ध करना। ओके आपका आंसर वायु हो सकता है या हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1:2:5:10:17 यहाँ पर क्या आएगा। देखिए गाइस सबसे पहले 1 से 2 बनाएंगे तो कितना ऐड हुआ, +1, फिर 2 से अगर 5 बनाएंगे तो +3 ऐड करेंगे, 5 से 10 बनाएंगे तो +5 ऐड करेंगे, फिर 10 से 17 बनाएंगे तो +7 ऐड करेंगे। अब आप एक चीज़ देखते हैं कि अगला नंबर कौन सा होगा, तो सबसे पहले देखिए 1 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ, +2, फिर 3 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, +2, 5 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ, +2। अब हमें मतलब 2-2 का अंतर है सभी के बीच में, तो हम लोग 7 में भी 2 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 9, इस 9 को हम लोग 17 में ऐड कर देंगे तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा, तो 9 ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस 26। ओके ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कि आज मुझे मिले हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन बताएं सेकेंड शिफ्ट के लिए तो दोस्तों आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं ताकि मैं आपको जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ ओके पीटेट के एग्ज़ाम का। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।
दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा असिल गुप्ता का, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन मुझे भेजे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन मिले मुझे हैं, ये इन्हीं की मेहरबानी है और इन्हीं के आंसर लगभग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, नागरिकता के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो गाइस देखिए, नागरिकता के लिए अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 5 से 10 आर्टिकल है, लेकिन जो आर्टिकल 11 है इसका इम्प्लीमेंट के लिए 11 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर नहीं मिला, आप कमेंट करके बता सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश से कौन सा पास होके निकलता है? मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन आप अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन दोस्तों आया था कि राजा रवि वर्मा कौन थे? तो गाइस राजा रवि वर्मा जो थे ये एक इंडियन पेंटर थे। ओके, नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किस से है? तो गाइस देखिए, मछली पालन से या कह सकते हैं मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। एक क्वेश्चन आया था, पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। कई क्वेश्चन के मुझे आंसर नहीं मिले, लेकिन आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में SC व ST की कुल कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओणम जो है वो किस राज्य का नृत्य है? तो गाइस ओणम की अगर बात करते हैं तो ये केरल राज्य का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? इसका एक ही रीज़न होता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, एक ही रीज़न होता है, शुष्क मौसम रहता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे वर्षा कम होती है, लेकिन आपका अगर ऑप्शन में कोई और कारण है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया गाइस आपका, जनरल बिपिन रावत देश के पहले क्या हैं? तो गाइस देखिए, जनरल बिपिन रावत जो हैं देश के पहले CDS हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किसको मिला था? तो मैंने दोस्तों सर्च किया था तो ये मिला था इथियोपिया के PM या कह सकते हैं इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो कि हैं अभी अहमद, इनको मिला था 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार। अगला है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देखिए, अगर राजस्थान का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूछा गया है तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, अगर कहीं का भी पूछा जाए तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ओके, अगर राजस्थान का आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो गाइस देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मुंबई, और अगर मुंबई पूरे वर्ल्ड में मुंबई का कौन सा स्थान है बंदरगाह के मामले में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 28वां स्थान। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन डी की कमी से आपका जो रोग होता है रिकेट्स होता है, मतलब सूर्य की के मतलब प्रकाश की जो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स, मतलब क्या होता है, हड्डियाँ जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु कौन सा पाया जाता है? तो गाइस देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु पाया जाता है बकरी, बकरी को ही पाला जाता है। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 2010 में। अगला है, राजस्थान चित्र शैली का प्रारंभिक केंद्र क्या था? तो प्रारंभिक केंद्र माना जाता है राजस्थान के मेवाड़ को। अगला क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ स्लेवरी के नाम से किसको जाना जाता है? इसका आंसर दोस्तों मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा खोला गया सिखों का कॉरिडोर का नाम क्या था? तो दोस्तों देखिए, ये था करतारपुर कॉरिडोर। ये सबका अगला क्वेश्चन आया था, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक की बात करते हैं तो वो था बहादुर शाह जफर। अगला है, रेगिस्तान का जल महल
किस जगह को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जयपुर का जो जयपुर में है एक मानसागर सरोवर, इसी के पास एक बाटाडू के कुएं पड़ते हैं, बाटाडू का कुआं, इसी को कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। एक क्वेश्चन आया था इस प्रकार का था, बिस हाल मार्क। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद बिस्मार्क पूछा गया होगा, बिस्मार्क का संबंध किससे है, लेकिन कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है बिस हाल मार्क। ओके, अगला है 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला था अमिताभ बच्चन को। अगला है फरवरी 2020 में यूनेस्को ने किसको विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया? तो गाइस देखिए, राजस्थान का जयपुर जिला है, इसको फरवरी 2020 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। अगला है सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर वन की बात करते हैं तो ये हरियाणा में कम पाए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर ऑप्शन में और कोई है तो आप सर्च कर सकते हैं और इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आता तो इसके हिसाब से हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो देखिए, भीलवाड़ा से शुरू हुआ, मतलब आप जान सकते हैं बिजोलिया से शुरू हुआ था, लेकिन बिजोलिया जो है उसका वर्तमान में नाम क्या है, भीलवाड़ा, तो यहाँ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, केरल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो गाइस केरल का अगर प्रमुख नृत्य है, मैंने आपको बताया था ओणम, ओके, और इसमें बता रहा है कथकली, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आया था। ओके, अगला है आंध्र प्रदेश का अगर प्रमुख नृत्य की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, लेकिन तमिलनाडु के बहुत से सारे नृत्य हैं जिनको आपको पता नहीं होगा, लेकिन उसमें से एक आता है भरतनाट्यम। अगला है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ये टोटल 8 है, लेकिन पहले 6 थी, जब से 370 आर्टिकल और 35 से ये हटा है उसके बाद से जो टोटल संख्या हो गई है वो 8 हो गई है। राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या क्या है? गाइस देखिए, पहले तो राज्यसभा सीटों की संख्या थी 250, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं 5 कम हो गई हैं, वो हो गई हैं 245। अगला है गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है? देखिए दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है गरीबी हटाओ। तो दोस्तों देखिए, इसको जो दिया था, गरीबी हटाओ योजना का जो प्रारंभ किया था वो इंदिरा गांधी ने किया था, और इसका जो प्रयोग किया है इनके पुत्र जो हैं राजीव गांधी, इन्होंने इसका प्रयोग किया था, गरीबी हटाओ योजना। अगला है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो गाइस देखिए, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 26 मार्च 1971 को। अगला है सी मतलब समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गाइस समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला है जल महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो गाइस देखिए, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है आपकी टका। एक क्वेश्चन ऐसा भी बता रहे हैं कि 2019 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, एक तो शांति वाला आया था और एक ऐसा आया था। तो दोस्तों देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था अभिजीत बनर्जी। ओके, अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाला जाता है? तो मैंने बता दिया था, बकरी को पाला जाता है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है? ये हो जाएगा बुध ग्रह। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो गाइस भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड क्लाइव। अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो वो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला है शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा जोधपुर। अगला है न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एक तो देखिए, न्यूटन ने सिद्धांत जो दिया था वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अगर नियम की बात करते हैं कि न्यूटन ने कौन से नियम दिए थे, तो दोस्तों देखिए, गति के 3 नियम दिए थे। ओके, न्यूटन ने।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।